दोस्तों एसर नाइट्रो 5 का 2021 का मॉडल लॉन्च हो गया है और इसमें बहुत ही कमाल का स्पेक्स देखने को मिला है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये लैपटॉप एक बेस्ट बाय ऑप्शन है या नहीं, इसी के साथ क्या आपको ये लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर किसी और लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माई क्रेजी टेक स्पेस। तो एसर नाइट्रो 5 अमेजोन पे अवेलेबल है और इसका प्राइस है 90,000 और इस प्राइस में आपको i5 का 10th जेन सीपीयू देखने को मिलता है जो कि क्वाड कोर सीपीयू है, लेकिन इसी के साथ इसमें RTX का 3060 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी के साथ इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क और 256 GB का SSD देखने को मिल जाता है और इसमें 8 GB रैम है, 15.6 इंच का डिस्प्ले जो कि 144Hz के साथ आता है। इसी के साथ इसका वेट 2.3 kg है और इसमें 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसमें 57.5 वाट आवर का बड़ा सा बैटरी देखने को मिलता है जो कि एक 4 सेल बैटरी है। दोस्तों अब क्योंकि इस लैपटॉप में 90,000 के प्राइस पॉइंट पे RTX 1360 जैसा एक पावरफुल GPU देखने को मिलता है तो कहीं तो इस लैपटॉप में कॉस्ट कटिंग किया गया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमें इसमें GPU देखने को मिलता है वो कमर्शियली 12 GB VRAM के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन जो हमें इस मॉडल में RTX 3060 देखने को मिलता है वो 6 GB VRAM के साथ आता है। इसी के साथ हमें इसमें i5 का 10th जेन CPU देखने को मिलता है जो कि क्वाड कोर CPU है, लेकिन हमें इस प्राइस रेंज में हेक्साकोर CPU देखने को मिल जाता है। इसी के साथ हमें इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, IPS डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये 144Hz के साथ आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या इस लैपटॉप को बाय करना चाहिए या नहीं, तो फिर इस लैपटॉप को डेफिनेटली बाय करना चाहिए क्योंकि अभी तो इसका दाम 90,000 है लेकिन कुछ टाइम बाद डेफिनेटली इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है और तब इस लैपटॉप को बाय करना एक ग्रेट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी जो लोग इस लैपटॉप को बाय करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना है और अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।